हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पॉकेट आर्टिकल्स के बारे में। तो एक्चुअल में नर्सिंग स्टूडेंट्स को पॉकेट आर्टिकल्स में क्या क्या रखना चाहिए इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा एक पैकेट लेना है जिसमें आपको सारे पॉकेट आर्टिकल्स रखना है, जिनकी लिस्ट में अभी आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्मॉल साइज सीजर रखना कंपलसरी है। देन नेक्स्ट, एक आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए। थर्ड वन, आपके पास होनी चाहिए पेंस। ओके, तो पेन आपके पास होना चाहिए रेड, ब्लैक एंड ब्लू। सो ये तीनों पेन मैंने अपने पॉकेट आर्टिकल्स के साथ रख रखा है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरे पास है इंच टेप, ये भी पॉकेट आर्टिकल में मस्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एक छोटी स्केल आप रखिए, ये भी बहुत मस्ट होती है, बहुत यूज़ आती है क्लिनिकल ड्यूटीज़ के टाइम पर। देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो आपके पास एक शार्पनर, एक इरेजर एंड एक पेंसिल भी होना कंपलसरी है। आप एक पेंसिल छोटी सी भी रख सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आती है। एंड देन आता है आपका नेल कटर, एक छोटा सा नेल कटर आप अपने पास रखिए। समटाइम्स टीचर्स आ जाते हैं चेकिंग के लिए तो ये आपके काम भी आ सकता है और पेशेंट्स की नेल केयर के लिए इसे यूज़ किया जाता है। एंड थर्मोमीटर वगैरह तो ये सब मस्ट है। सो ये लिस्ट है पॉकेट आर्टिकल्स की जो आपको, इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए पॉकेट आर्टिकल में, वो है हमारी पॉकेट डायरी, जो कि एक स्मॉल साइज पॉकेट डायरी आप रख सकते हैं जिसमें आप पेशेंट की हिस्ट्री लिख सकते हैं। सो ये पॉकेट आर्टिकल्स जो आप हॉस्पिटल ड्यूटीज़ के मतलब क्लिनिकल ड्यूटीज़ जब आपकी लगती है उसमें रखना आप लोगों के लिए मस्ट होता है। देन नेक्स्ट आप एक छोटा सा सैनिटाइज़र बॉटल भी अपने साथ रख सकते हैं ताकि आपको सैनिटाइज़ करने के लिए, अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सैनिटाइज़ करने के लिए बार बार आपको कहीं जाना ना पड़े, आप अपने पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइज़र बॉटल भी रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड होप आपको ये समझ आया होगा कि पॉकेट आर्टिकल्स में क्या क्या रखना चाहिए एंड आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ में इन सब चीज़ों की बहुत हेल्प होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।